सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बहुत अच्छा अपडेट्स लेकर के आए हुए हैं जो SMC खाते में प्रेषित धनराशि को लेकर के है, जिसका ब्यौरा अधिकांश इस समय पासबुक में नहीं दर्शाया जाता है। उसका ब्यौरे को लेकर के अधिकांश शिक्षक इंचार्ज प्रधान अध्यापक परेशान होते हैं कि कैशबुक, लेजर बुक और ऑडिट किस प्रकार से हम कराएं, ताकि उन्हें यह ही पता नहीं होता कि कौन सी मद की धनराशि आपके खाते में SMC खाते में आवंटित आई है। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताई जाएगी। आज यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध होती रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देखिए साथियों, मित्रों, सत्र 2021-22 में SMC पर प्रेषित धनराशि का विवरण जो शासन स्तर से 2021-22 सत्र में विद्यालय प्रबंध समिति खाते में धनराशि प्रेषित की गई है, यानी आवंटित धनराशि है, उसका ब्यौरा पासबुक में लगभग नहीं इस समय दर्शाया जा रहा है। सिर्फ ट्रांजैक्शन आईडी ही वहां पर मिलती है, तो कन्फ्यूजन रहता है कि किस प्रकार से हम कैशबुक और लेजर बुक फिलअप करें। तो उसके लिए विशेष ध्यान दें साथियों, समस्त प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, मद का नाम है कंपोजिट ग्रांट। ये आप सब जानते हैं कि छात्र संख्या 1 से 30 तक जिन विद्यालयों में नामांकन है, सितंबर 2019-20 रहेगा, तो यहाँ पर 10,000 उनकी धनराशि उनके खाते में प्रेषित की गई है। और जिन विद्यालयों में 31 से लेकर के 100 तक नामांकन है, उनकी SMC खाते में 25,000 रुपये की धनराशि कंपोजिट ग्रांट के नाम पर भेजी जाती है। 101 से 250 तक छात्र नामांकन ये जिस विद्यालय में हैं, तो वहाँ पर 50,000 और 251 से 1,000 तक विद्यार्थी यदि नामांकित हैं छात्र छात्रा, तो 75,000 रुपये एवं 1,001 से ऊपर से 1,00,000 के आधार पर धनराशि प्रेषित की जाती है। तो ये साथियों कंपोजिट ग्रांट की धनराशि हुई। अब दूसरी जो मद है, समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में खेल कूद की धनराशि प्राथमिक विद्यालय को 5,000 की दर से व पूर्व माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालयों में 10,000 की दर से प्रेषित की गई है। ये दूसरी 10,000 की जो मद होगी वो आपकी खेल कूद की होगी, स्पोर्ट्स के सामान की क्रय करने की होगी, और पहली कंपोजिट ग्रांट की होगी। इस प्रकार से तीसरा मत जो रहेगा, शारदा आउट ऑफ स्कूल छात्र छात्रा, ये 644 रुपये प्रति छात्र की दर से प्रेषित की गई धनराशि है। ये आप नोट कर लें, अपने पासबुक में भी कहीं एंट्री कर नोट कर लें कि ये 644 रुपये की जो धनराशि आपके खाते में आवंटित हुई है, वो शारदा आउट ऑफ स्कूल छात्र छात्राओं के मत पे हुई है। इस प्रकार से चौथा मत रहेगा, समस्त प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में TLM, यहाँ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं दर्शाया गया है, और प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए TLM का 300 रुपये प्रति अध्यापक की दर से यहाँ धनराशि प्रेषित की गई है। समस्त पूर्व माध्यमिक व कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के लिए रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण के प्रति विद्यालय, जिन विद्यालयों में यह प्रशिक्षण करवाए गए हैं जो अनुदेशकों के माध्यम से, 3,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से यह धनराशि आपके खातों में प्रेषित की गई है, और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में ये धनराशि नहीं प्रेषित की गई है। इस प्रकार से छठवां मद रहेगा, रानी लक्ष्मीबाई प्रशिक्षण समस्त पूर्व माध्यमिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालय के लिए 2,000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से। समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय कस्तूरबा गांधी SMC प्रशिक्षण, SMC ट्रेनिंग जो आपकी विद्यालय स्तर पे होगी, उसके लिए प्रति विद्यालय 1,000 रुपये की धनराशि यह प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय और कंपोजिट विद्यालय यानी सभी विद्यालयों में प्रेषित की गई है, और 1,000 रुपये प्रति विद्यालय के हिसाब से ये प्रेषित है। ये आप ध्यान दीजिएगा, 1,000 रुपये जहाँ भी आपकी धनराशि है वो आप समझ लीजिए कि SMC ट्रेनिंग के लिए है। इस प्रकार से चयनित पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, जो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के द्वारा चयनित किए गए हैं ऐसे पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को 1,000 रुपये प्रति विद्यालय
की दर से ये धनराशि प्रेषित की गई है। ये आप अपने ब्लॉक खंड एजुकेशन ऑफिसर्स खंड शिक्षा अधिकारी महोदय से ये देख सकते हैं कि कौन से विद्यालय राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में चयनित किए गए हैं, उन विद्यालयों में ये धनराशि प्रेषित की गई है। नेक्स्ट है साथियों, NPRC शिक्षक संकुल धनराशि 2200 रुपये प्रति विद्यालय की दर से ये धनराशि प्रेषित की गई है। और ये धनराशि शिक्षक संकुल धनराशि सभी जैसे ग्राम पंचायत स्तर पे जो 5 विद्यालयों या 6 विद्यालयों के स्तर पे एक शिक्षक संकुल नियुक्त किया गया है और उन विद्यालयों में जिसमें शिक्षक संकुल नियुक्त है वहाँ पर कार्यरत है उस विद्यालय की प्रबंध समिति के खाते में 2200 रुपये विद्यालय प्रति विद्यालय की दर से भेजिए। तो ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट्स थी जो सभी शिक्षकों के लिए जरूरी था समझना कि कौन सी मद किस काम की है और कहाँ हमें किस प्रकार से कैश बुक लेजर बुक तैयार करनी है और किस प्रकार से हमें इसको उपभोग करना है। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो पर बताई गई। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट्स आपको एक ही प्लेटफार्म यानी एक ही चैनल पर उपलब्ध होते रहें तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और साथियों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी ये समस्या से समझ आ सके। तो ठीक, जय हिंद, जय भारत। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए।